हबीबगंज का नाम बदलकर अब रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। वहीं अब स्टेशन का नाम बदलने को लेकर सियासत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जहां कांग्रेस ने नाम बदलने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए इनके पास ये है, इनके पास बचा क्या है भाई? लोगों की जेब में डाका डाल दिया, लोगों की जान पे डाका डाल दिया। पहले कोविड में लोग गए, फिर डेंगू में गए, फिर अस्पतालों में गए, तो ये लगातार लोगों की जान ले रहे हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं, केवल जो कांग्रेस ने बनाए थे उन चीज़ों का नाम बदलना, या जो कांग्रेस नेहरू जी ने सब फैक्ट्री और सब की उसको बेचना, दो ही काम है, नाम बदलो और बेचो, नाम बदलो बेचो। देखिए कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। जब जब भी उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हुई हैं तब भी उनके पेट में दर्द हुआ है। इतिहास के पन्नों में ऐसे महापुरुषों को दर्ज करना जो है कांग्रेस की अपने आप में हिमाकत हमेशा से रही है। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि पहले राजा भोज विमानतल भोपाल की सौगात, भोपाल का सौगात मिली, और अब जो है रानी कमलावती के नाम से हमको स्टेशन मिलने जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को याद रखेंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार ने जो है ऐसे महापुरुषों को जनता के सामने लेकर आई।